हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ रहे हैं गेटमैन्स गिफ्ट। ये जो पूरी स्टोरी है वो गोविंद सिंह के ऊपर बेस्ड है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी के कमेंट्स आते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाएँ, लेकिन अभी हमारे पास जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत कम हैं। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड एनकरेज करें हमें न्यू वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का समरी, गेटमैन्स गिफ्ट। ये जो पूरा स्टोरी है वो गोविंद सिंह के ऊपर बेस्ड है। जब गोविंद सिंह को एक रजिस्टर्ड लेटर मिला था, गोविंद सिंह उस लेटर के वजह से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वो आसपास करीब हर आते जाते आदमी से पूछते थे कि आखिर इस लेटर के अंदर क्या लिखा है। तो ऑब्वियसली हर एक आदमी का यही सजेशन होता था कि वो इसको खोलो और अंदर देख लो क्या लिखा है, पढ़ लो इसे। लेकिन बाद में जो गोविंद सिंह है उनका रिप्लाई आता था कि नहीं नहीं, इसे बिना खोले ही इसे अगर आप बता सकते हो तो बताओ। लेकिन इस तरीके से कोई बता नहीं पा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक एक आदमी उनसे मिलता है, जो सेम वैसा ही इंसिडेंस उनके साथ भी होता है। गोविंद सिंह उन्हें बोलते हैं कि आप मुझे ये पढ़ करके बताओ, बिना इसे खोले, इस एनवलप को बिना खोले इस लेटर में क्या लिखा है पढ़ के बताओ। और जो आदमी है वो रिप्लाई करता है कि आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आप एक्सरे इंस्टीट्यूट में जाइए। और ऐसा जो बताने वाले जो व्यक्ति थे वो एक्स कंपाउंडर थे, जो कि गोविंद सिंह के घर के पास ही एक स्ट्रीट में रहते थे। स्ट्रीट के पास ही एक घर था उनका, वो वहीं पर रहते थे। जिसके बाद जो मिस्टर गोविंद सिंह थे वो पूछते हैं कि आखिर ये एक्सरे इंस्टीट्यूट क्या होता है, जिस पर उन्हें एक्सप्लेन किया गया। बाद में उन्हें बताया भी गया कि वो कहाँ पर है। इसके बाद वो सिटी एक्सरे इंस्टीट्यूट के लिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे कहानी में उनके पास्ट के बारे में थोड़ा बताया गया कि वो पास्ट में पहले उनकी लाइफ कैसे थी। जो मिस्टर गोविंद सिंह हैं वो 1914 से लेकर के 1918 तक वो मिलिट्री में भर्ती थे, वो वॉर सर्विसेज में थे। वो 1914 से 1918 तक वॉर सर्विसेज में काम करते थे। इसके बाद उन्हें गेट कीपर का एक पोस्ट उन्हें मिला, जॉब मिल गया। वो उन्हें इंग्लैंडिया में गेट कीपर का जॉब मिल गया और वो इस जॉब से बहुत ज़्यादा खुश भी थे। उन्हें ये जॉब अच्छा लगा। उन्हें एक खाकी यूनिफॉर्म दिया गया, साथ में एक बैंड दिया गया जो कि उनके कंधे पर हमेशा लटका रहता था बैंड, और उसके साथ साथ में उस बैंड का स्टिक्स भी दिया गया। जो गोविंद सिंह है वो हमेशा एक स्टूल पर बैठ जाते थे अपने ऑफिस के बाहर जो एंट्रेंस गेट होता था वहाँ पर स्टूल पर बैठ जाते थे। और जब उनके जो चीफ यानी कि उनके जो बॉस थे, जो मेन हेड थे, जो बॉस थे, वो जब ऑफिस आते थे, कार से बाहर निकलते थे, तो जो गोविंद सिंह है वो अटेंशन के पोज में खड़ा हो जाता था और बॉस के आते ही उन्हें एक मिलिट्री सैल्यूट देता था उनके हॉनर में। जिस कंपनी में गोविंद सिंह गेट कीपर का काम कर रहे थे, उस कंपनी में करीब 100 से ज़्यादा लोग काम करते थे। दिन के अंत में जो गोविंद सिंह है वो अपने जो जनरल मैनेजर का इंतज़ार करते थे, उनके फुटस्टेप्स के का इंतज़ार करते थे कि वो कब बाहर निकलेंगे। एंड वो जब निकलते थे तो जो गोविंद सिंह है वो अटेंशन का पोज में एकदम खड़ा हो जाता था। इस उनके जाने के बाद जो बाकी के जो भी स्टाफ के लोग थे वो सभी निकल जाते थे धीरे धीरे करके। और उसके बाद जो गोविंद सिंह है वो अपना जो बैंड है, बैंड के साथ अपना जो स्टिक है वो अंदर ले जा करके रख देता था और साथ में अपना स्टूल भी अंदर ले जा करके रख देता है। और इसके बाद वो बाहर आ करके दरवाजे को लॉक करके सील करके वो अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। ऐसा उसने करीब 25 ईयर्स तक, 25 साल तक वो ऐसे ही अपना ये ड्यूटी निभाता रहा। और उसके बाद उसे रिटायरमेंट का टाइम आ गया, उसे पेंशन मिलने चालू हो गई थी। जो गोविंद सिंह है वो नहीं चाहते थे रिटायर होना, लेकिन जो उनका जो देखने का जो ताकत था और सुनने का जो ताकत था वो अब धीरे धीरे कम होते जा रहा था। अब वो अपने चीफ के फुटस्टेप्स को अब रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते थे। अब वो अपने चीफ के जो पैरों की आवाज़ थी वो उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे थे। उतना अच्छे से उनका जो देखने का और सुनने का जो कैपेबिलिटी था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा था। तो इसलिए जो उनके ऑफिस के जो चीफ थे उन्होंने उनके पास जा कर के उन्हें बात किया कि वो बहुत ही खुश हैं उनके काम से जो कि उन्होंने कंपनी के लिए किया। और अब जो कंपनी है वो उन्हें पेंशन देगी, बाकी जो भी बची हुई ज़िंदगी है गोविंद सिंह की, और वो पेंशन होगा 12 रुपीज़ लाइफ टाइम तक के लिए उन्हें पेंशन हर महीने दिया जाएगा। जिस पर जो गोविंद सिंह है वो अपने हील्स को ठीक करते हैं, मीन्स टाइट करते हैं और वापस से एक ग्रैंड सैल्यूट देते हैं अपने चीफ को।
इसके बाद जो गोविंद सिंह है वो बाहर आ जाते हैं, वो एकदम से प्राइड मैनर में वो अपने आप पे गर्व करते हुए इस बारे में सोचते हैं। जो गोविंद सिंह है वो साथ में ये भी सोचता है कि ये सेकंड ओकेशन है जब उन्होंने इस ग्रेट मैन से बात किया, मीन्स अपने चीफ से बात किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दो ही बार ऐसे बात किया है। वो पहला दिन था जब उनके चीफ ने उनसे बात किया था, वो भी उनसे पूछा था कि हु आर यू, तो उन्होंने जो गोविंद सिंह है उन्होंने रिप्लाई किया आई एम द न्यू गेट कीपर मास्टर। और तब से लेकर के फिर आज के दिन उन्होंने उनसे बात किया कि अब उनका रिटायरमेंट का वक्त आ गया है और अब उन्हें पेंशन दी जाएगी। जो गोविंद सिंह है उसके लिए, जो उसके मास्टर थे, जो चीफ थे, उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट की फीलिंग थी गोविंद सिंह के लिए, गोविंद सिंह के अंदर अपने मास्टर के प्रति। और साथ ही में जो गोविंद सिंह है वो अपने मास्टर को एज ए गॉड की तरह, भगवान की तरह मानते थे। और वो बताते हैं कि ये काफ़ी है कि अपने लाइफ टाइम में उन्होंने एक से दो बार अपने लाइफ टाइम में ऐसे गॉड से बात किया, अपने प्रभु से बात किया। इसके बाद जो गोविंद सिंह है उनकी पेंशन अब आने लगी थी, उनकी लाइफ स्मूथली चल रही थी। उनकी जो वाइफ है वो भी कुछ घरों में स्वीपिंग और वॉशिंग का जो काम है वो करती थी कुछ कपल्स ऑफ हाउसेस के घर में, और वो कुछ इससे अर्न भी कर लेती थी। अब जो उन दोनों का जो लाइफ था वो अच्छे से चल रहा था। अब जो गोविंद सिंह थे वो अपने लाइफ में सुबह नहा धोकर खाना खा करके वो बाहर अपने दोस्तों से मिलने चले जाते थे, और उसके बाद वो कुछ दोपहर का कुछ वक्त अपने कज़िन यानी कि अपने भाई के दुकान पे, सिगरेट की जो दुकान थी वहाँ पर गुजारते थे। और उनका ये जो लाइफ था वो हर महीने के पहली तारीख को डिस्टर्ब हो जाता था जब वो अपने पुराने खाकी के सूट को पहन करके अपने पुराने ऑफिस में जाते थे। वहाँ पर अकाउंटेंट को जा करके वो सलामी देते थे और वहाँ से अपना पेंशन रिसीव करके वापस आते थे। कभी कभार अगर वो शाम का टाइम हो जाता था तो कई बार रोड पर वेट करते थे अपने जनरल मैनेजर का, और जब वो आ जाते थे तब उन्हें वो ग्रैंड सैल्यूट पहले की तरह वापस देते थे, और उसके बाद जो गोविंद सिंह है वो वापस अपने घर लौट जाते हैं। एक दिन अचानक से उन्हें पता चला कि अब वो कुछ अच्छा चीज़ भी बना सकते हैं, क्ले से वो कुछ अच्छी चीज़ें बना सकते हैं मिट्टी के ज़रिए। ये सब तब स्टार्ट हुआ जब उनके पास की एक लड़की, जो छोटी सी लड़की है, वो अपना एक लिटिल छोटा सा डॉल लेकर के आई थी गोविंद सिंह के पास रिपेयर करने के लिए। गोविंद सिंह ने ना सिर्फ उसे रिपेयर किया बल्कि उसे एक नया थिंग भी उसमें लगा दिया, एक नई चीज़ भी लगा दी जिससे वो और ज़्यादा इम्प्रेसिव और अच्छी दिखने लगी। जिस पर जो गोविंद सिंह था वो उसे पता चला कि उसके पास एक नई काबिलियत भी है और वो उसका अच्छे से उपयोग कर सकता है, उसका यूज़ कर सकता है। उसके घर का जो बैकयार्ड था वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्ले जो थे वो अवेलेबल थे, साथ में कारपेंटर्स के शॉप के वहाँ से उसे आसानी से सॉ डस्ट मिल जाता था, और वो इन सभी का यूज़ करके और साथ में कुछ पेंट का भी यूज़ करके वो बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स और पीसेस बनाता था। इसके बाद जो गोविंद सिंह है वो बताते हैं कि उन्होंने अलग अलग तरीके के मिनिएचर्स और मॉडल्स बनाए, जिसमें उन्होंने एक ऐसा मॉडल भी बनाया जो कि किसी एक छोटे से वर्ल्ड की तरह दिखता है। वो उसमें बहुत तरीके के वेरिएशन है, वो एक छोटे से गांव की तरह भी दिखता है जिसमें अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। वो बताता है कि उसने आसपास में अपने गांव के आसपास में जो भी उसे आइडियाज़ मिले, जो भी वो देख सका अच्छी अच्छी चीज़ें, उसने उन सभी को अपने इस मॉडल में एक्सप्रेस करने की कोशिश की। उसने माउंटेंस, अलग अलग तरीके के वुमेंस लोगों को एक्सप्रेस किया, कई तरीके के सेलर्स को भी एक्सप्रेस किया, और भी अलग अलग तरीके के लोगों को एक्सप्रेस किया अपने इस मॉडल में। और वो जो भी अपने इन मॉडल्स को बनाता था वो अपने कज़िन के शॉप में ले जा करके इन्हें रख देता था। वहाँ पर उसके कज़िन के शॉप में बहुत ही ज़्यादा भीड़ जो थी वो इकट्ठा होने लगी थी इन सब मॉडल्स को देखने के लिए, और साथ में वो लोग खरीद कर लेके जाते थे इसे। इसके बाद वो अपने नेक्स्ट पेंशन डे पर वो अपने साथ ऑफिस में एक स्ट्रीट का सीन लेकर के गए थे, जो कि अब तक के लिए उन्होंने अपना बेस्ट मॉडल बनाया था, जो कि एक स्ट्रीट सीन था। और उसने अकाउंटेंट के पास जा कर के दे दिया और उससे रिक्वेस्ट किया कि ये उसके साहब, उसके मास्टर को दे देना प्लीज़। तो जिस पर जो अकाउंटेंट है वो उसे बोलता है कि हाँ वो पक्का दे देगा, वो ऑल राइट, वो पक्का दे देगा। एंड इसके साथ ही जो आसपास में जो ऑफिस के सारे लोग थे वो सभी लोग उसके आसपास आकर के देखने लग जाते हैं कि वो कितना अच्छा दिख रहा है, कितना अट्रैक्टिव बनाया और कितना सुंदर दिख रहा है। करीब हाफ एन आवर सभी लोग उसके बारे में बात करने लगे एंड उसकी तारीफ करने लगे। इसके बाद नेक्स्ट पेंशन डे पर, जब अगले मंथ पे जो नेक्स्ट पेंशन डे आया, उस पर गोविंद सिंह ने एक दूसरा नया मॉडल लेके गया वो अपने ऑफिस में, जो कि चिल्ड्रन एट प्ले करके एक मॉडल था। और उसने फिर से ये जो
मॉडल था उसे एक काउंटर पे अकाउंटेंट के पास दे दिया और उसे कहा कि साहब को मेरा पुराना वाला जो मॉडल था वो कैसा लगा। जिस पर जो साहब जो अकाउंटेंट है वो कहता है कि साहब को बहुत अच्छा लगा। जिस पर जो गोविंद सिंह है वो कहते हैं कि ये उन्होंने दूसरा एक मॉडल बनाया, प्लीज़ इसे भी आप साहब को दे दें। इसके बाद वो हर अपने नेक्स्ट पेंशन डे पे, हर अगले अगले पेंशन डे पर अलग अलग तरीके के मॉडल्स को ला करके अकाउंटेंट को दे देते थे और कहते थे कि अपने साहब को दे दें। और वो हर बार ज़रूर पूछते थे कि उनको मीन्स साहब को कैसा लगा वो मॉडल, जिस पर जो हमेशा रिप्लाई आता था कि वेरी गुड, बहुत अच्छा उन्हें लगा, उनके साहब ने ऐसा रिप्लाई किया। एक दिन, एक लास्ट डे, उन्होंने एक बहुत ही, जो गोविंद सिंह है उन्होंने अपना सबसे अच्छा मास्टरपीस बनाया, जिसमें उस मास्टरपीस में उन्होंने अपने ऑफिस को एक्सप्रेस किया, उन्होंने अपने आप को गेट कीपर के पोस्ट पे एक्सप्रेस किया और साथ में एक सामने एक कार है और उसके जो सर है वो उस कार से नीचे उतरते हुए ऐसा दिख रहा है और पूरे ऑफिस का जो सीन था वैसा वो दिखाने का पूरा कोशिश करते हैं। जिस पर जो गोविंद सिंह वो बताता है कि उसे ये देख करके अपने पुराने जो दिन है वो उनकी याद आ जाती है, उसे ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। इसके बाद वो इसे भी अपने पेंशन वाले डे पर अपने ऑफिस में ले जा करके दे देता है और वो अकाउंटेंट से कुछ बात करता है और वो पूछता है कि मास्टर इससे एंग्री तो नहीं होंगे, इस पर गुस्सा तो नहीं होंगे। जिस पर जो अकाउंटेंट है वो रिप्लाई देता है कि नो नो, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो गुस्सा नहीं होंगे। जिस पर जो अकाउंटेंट है वो उसे पेंशन देते हैं एंड उसके बाद गोविंद सिंह वापस से अपने घर पर चले जाते हैं। एक वीक लेटर, एक हफ्ते बाद उनके घर पे एक पोस्टमैन आता है, जो कि पोस्टमैन अपने साथ एक रजिस्टर्ड लेटर लेके आता है गोविंद सिंह के लिए। पोस्टमैन उनके लिए रजिस्टर्ड लेटर लेके आता है और वो इस रजिस्टर्ड लेटर से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। आज तक जितने बार भी उनके पास रजिस्टर्ड लेटर आए हैं वो हर बार उनके लिए एक टॉर्चर साबित हुआ है, बहुत ही बुरा उनके लिए साबित हुआ है। और वो पूछते हैं कि रजिस्टर्ड लेटर्स तो सिर्फ लॉयर्स बनाते हैं, तो जो पोस्टमैन है वो बोलता है ऑफकोर्स ये लॉयर्स ही बनाते हैं। बाद में जो गोविंद सिंह है वो उसे पोस्टमैन को कहता है कि आप इसे प्लीज़ वापस लेकर के जाओ और इस और आपसे जब पूछा जाएगा तो आप प्लीज़ कह देना कि आपको मैं नहीं मिला, मींस आप मुझसे नहीं मिले। जिस पर जो पोस्टमैन है वो बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर जो सिंह जो गोविंद सिंह है उसे जबर उसे अपने एक्स रिप्रेस्ड इमोशंस के साथ उसे लेना पड़ता है और अपना सिग्नेचर दे करके वो पैकेट ले लेता है। वो अपने घर के बाहर बैठ जाता है और उस अपने उस लेटर को देखता रहता है। तभी अचानक उसकी वाइफ जो है वो वहाँ पर आ जाती है और वो उसे पूछती है कि ये क्या है। जिस पर जो गोविंद सिंह है वो रिप्लाई देता है कि आखिर ये आ गया, रजिस्टर्ड लेटर है ये। जिस पर उसकी जो वाइफ है वो पूछती है आखिर अंदर क्या लिखा है। जिस पर जो गोविंद सिंह है वो रिप्लाई करता है क्या पता, मैंने नहीं पढ़ा और मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, क्या पता इसमें हमारे कोई बुरा संदेश हो। जिस पर वो खोलता नहीं है और वो वापस से उसको देखता रह जाता है। जिस पर जो उसकी वाइफ है वो थोड़ी देर के लिए अपना अंदर जाती है, वो अपने घर के काम करती है और वापस बाहर आकर के देखती है तो उसे जो गोविंद सिंह है वो उसी कंडीशन में मिलता है और वो आकर के अपने हस्बैंड गोविंद सिंह को और एडवाइस देती है कि वो आसपास किसी से जा करके पूछे आखिर इसमें क्या लिखा है। जिस पर जो गोविंद सिंह है वो बोलता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं इस लेटर को ओपन कर दूँ, क्या पता इसमें हमारा बर्बादी के बारे में लिखा है और क्या पता साहब ने मेरी पेंशन को रोक दिया हो और पता नहीं भगवान ही जानते हैं आखिर इस लेटर में क्या होगा। जो गोविंद सिंह है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उसे लगता है कि जो ये जो ऑफिस से जो उसके लिए लेटर आया है उसमें लिखा होगा कि उसका जो पेंशन है वो स्टॉप कर दिया गया है, रोक दिया गया है। और जो गोविंद सिंह है वो कहता है कि अब वो वापस से अपने उस ऑफिस में कभी नहीं जाएगा, अपना फेस दिखाएगा भी नहीं वहाँ पर। इसके बाद वो बोलता है कि मैंने जो लास्ट वाला जो मॉडल बनाया था शायद उसी की वजह से साहब बहुत ज़्यादा गुस्से हैं। इसके अलावा जब वो ऐसा हर महीने जब वो पेंशन डे पर ऑफिस जाता है ऐसा कुछ मॉडल लेकर के, जो ऑफिस के जो सारे स्टाफ है वो उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, वो उसके उस मॉडल की तरफ देखने लग जाते हैं एंड करीब हाफ एन आवर या एक एक घंटे तक उसका जो मॉडल है उसके बारे में चर्चा होती है। इसके बारे में भी शायद साहब को पता चला होगा और वो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे और भी कुछ बात हो सकती है। आगे जो गोविंद सिंह है वो बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे इस लेटर को लेकर के, वो इस लेटर को अपने जॉब में अपनी जेब में लेकर के घूमते थे एंड हर किसी से पूछते हैं कि इस लेटर में क्या लिखा है, आप पढ़ के बताइए, वो भी इसे बिना खोले। इसके साथ ही जो गोविंद सिंह है उन्होंने अपना खाना पीना भी छोड़ दिया था, उन्हें खाने का कोई टेस्ट नहीं मिलता था। इसके अलावा वो बहुत ही अजीब तरीके से दिखने लगे थे। उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा अपने हस्बैंड को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करने लगी थी, क्योंकि अब जो गोविंद सिंह है वो बहुत ही ज़्यादा अब इस लेटर की वजह से डरे हुए हैं। इसके बाद उस आदमी
की एडवाइस की वजह से अब वो सिटी एक्सरे इंस्टीट्यूट पे जा रहे होते हैं। वहाँ पर जा कर के देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की कार वहाँ पर पार्कड होती हैं एंड अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। वो अंदर जाते हैं तो कुछ लोग सोफ़ा पर बुक्स और जर्नल्स पर पढ़ रहे होते हैं और कुछ लोग अलग अलग तरीके के काम कर रहे होते हैं। एक असिस्टेंट उनके पास आता है और उनसे पूछता है, व्हाट डू यू वांट? जिस पर जो सिंह है वो वहीं पर एक सैल्यूट देते हैं उस आदमी को और उससे कहते हैं कि क्या तुम इस एनवलप को पढ़ सकते हो, उस लेटर में क्या लिखा होगा बिना इसे खोले। जिस पर जो असिस्टेंट है वो उनसे रिप्लाई करता है और पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो। जिस पर जो गोविंद सिंह वो अपने पूरे लाइफ के बारे में बताता है, अपनी स्टोरी बताता है और वो बताता है कि वो इससे बहुत ज़्यादा इस लेटर से बहुत ज़्यादा डर गया है और प्लीज़ उसे ऐसा पढ़ कर बता दीजिए बिना इसे खोले। जिस पर जो असिस्टेंट है वो पहले थोड़ा स्माइल करता है, उसके बाद वो उसे कहता है कि आप अपने घर वापस जाएं, आप ठीक नहीं है, पूरी तरीके से ठीक नहीं है, आप जाए घर पे और आराम करें, रेस्ट ले, गो बैक होम। जिस पर जो गोविंद सिंह है वो वापस से रिप्लाई करता है कि क्या आप इसे पढ़ करके नहीं बता सकते। जिस पर जो असिस्टेंट है वो उनके हाथ से पेपर लेता है, उसे एग्जामिन करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है और उसके बाद वो वापस से पूछता है कि क्या वो उसे ओपन करके देख सकता है। जिस पर जो गोविंद सिंह है वो नो नो कहते हैं, नहीं नहीं, और वो चिल्लाने लग जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं और वो एकदम से टेरर, एकदम से भय कांप जाते हैं इस बात को सुन करके, और वो वापस से अपना पेपर वापस ले लेते हैं, अपने इस लेटर को वापस ले लेते हैं। वहाँ पर जो भी लोग होते हैं सभी लोग उनके तरफ देखने लग जाते हैं। इसके बाद जो असिस्टेंट है वो कहता है कि पहले तुम अपने घर पे जाओ, रेस्ट करो और ठीक होने के बाद यहाँ पर आना, और वो असिस्टेंट उसे गोविंद सिंह को बाहर तक छोड़ करके आता है। इसके बाद वो घर जाते वक्त रास्ते में ऐसा सोचता है कि आखिर उस असिस्टेंट ने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया कि वो एक बेकार सा आदमी है, पागल सा आदमी है। जिस पर वो सोचते हुए जाता है और अचानक से उसे ऐसा वो सोचता है कि क्या वो उसे मैड समझता है, उसे पागल समझता है, और वो ऐसा सोच करके शॉक हो जाता है। इसके बाद वो बीच रोड में खड़े होकर के इसके बारे में सोचता है और अचानक से वो कभी चिल्लाने लग जाता है, कभी वो हंसने लग जाता है और इसके बाद वो एकदम रिलीफ के सिचुएशन में आ जाता है, वो एकदम शांत हो जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि अब वो पागल हो गया है और उसे इसके बारे में पता भी नहीं था, अब वो पागल है। और वो सोचता है कि अब तक जो उसने अब तक पास्ट में किया वो सब एक तरीके से मैडनेस था, जैसे कि उसका जो डॉल बनाना, जो भी उसने मॉडल्स बनाए वो सब एक तरीके का मैडनेस है, पागलपन है। सेना के एक ऑफिसर को जो कि बाद में उसने गेट कीपिंग का भी काम किया 25 ईयर्स तक, और अब वो क्ले डॉल्स बना रहा है जो कि एक तरीके का मैडनेस है। अब वो एकदम से अपने आप को फ्री समझ रहा था, फ्री एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि वो उसे फ्रीडम मिल गया है। उसके पैर अब सही से चल नहीं पा रहा था, वो मीन्स अलग अलग तरीके के मूवमेंट की तरह वो चल रहा था। अब उसे लगता है कि अब वो हवे में उड़ सकता है और उसे ऐसा भी लगता है कि अब वो पानी में स्विम भी कर सकता है और अलग अलग तरीके के बारे में वो सोचता है। इसके बाद वो भागता है मार्केट के तरफ और मार्केट के रोड के तरफ वो भागता है, और जो भी लोग उसकी तरफ देखते हैं वो उसे रोते हुए कहता है कि डोंट लाफ एट मी, मेरे ऊपर हंसो मत, क्योंकि मैं एक पागल आदमी हूँ और मैं पागल आदमी इसलिए हूँ क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों में पागलपंतियों वाला काम किया है, मैंने क्ले से डॉल्स बनाए और अलग अलग तरीके के मॉडल्स बनाए और इन सभी की वजह से मैं पागल बन गया हूँ। इसके बाद वो सोचता है कि स्कूल से कुछ बच्चे आ रहे हैं, उन्हें डराया जाए क्योंकि अब वो पागल है, और अब वो एक टाइगर की तरफ बिहेव करता है और वो अपने आप वो अपने पैरों के बल पर आ जाता है और क्रॉल करने लग जाता है, उनके तरफ चलने लग जाता है और उन्हें डराने की कोशिश करता है। वो उस वक्त में अपने आप को टाइगर की तरफ समझता है, टाइगर समझता है, और उन्हें बच्चों को डरा करके भगा देता है। इसके बाद जब गोविंद सिंह अपने घर पे जाते हैं तब वो एक बहुत ही बुरे हालात में होते हैं। उनकी जो वाइफ है वो चिल्ली ग्राइंड कर रही होती हैं और वो आकर के पूछती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसा फैंसी फैंसी ड्रेस की तरह क्यों बन करके आए हो, बहुत बुरे ड्रेस में क्यों हो तुम, और तुम्हारे ऊपर पूरा ये धूल मिट्टी कहाँ से लग गया है। इसके बाद जो रिप्लाई में गोविंद सिंह बोलते हैं कि आई एम मैड, मैं पागल हूँ, पागल हूँ। इसके बाद वो एक अपना जो बास्केट था वो अपना बास्केट वर्क बास्केट निकालते हैं, वहाँ से अपना क्ले लेते हैं और अपने लिए एक हेलमेट बनाते हैं और उसे पहन लेते हैं। इसके अलावा गोविंद सिंह अपने लेटेस्ट मॉडल की तरफ देखता है जो कि वो लास्ट टाइम अपने पेंशन लेकर के आने के बाद से वो बनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो एक मॉडल विलेज बनाने की कोशिश कर रहा होता है, उसमें वो अपने आसपास के सभी तरीके के जो भी वो देखता है वो उसे इंक्लूड करता है। वो उसमें रेड टाइल्स, ग्रीन कोकोनट ट्रीज़ और अलग तरीके कलरफुल सारीज़ जो कि वुमेन्स गांव की औरतें पहन करके जा रही हैं,
पानी भरने के लिए, और भी अलग अलग तरीके के जो विलेज के सीन्स होते हैं वो उन्हें उसमें इंक्लूड किया हुआ होता है, वो इसे देखता है और वो बताता है कि वो इसे एग्जीबिशन में शो मॉडल के लिए उसे रखने वाला था, और वो बताता है कि वो जब ऐसा करेगा तो उसे मेडल भी मिल सकता है और मेडल वो जीत करके लाएगा। और वो उसकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी करता है, वो उस अपने वाइफ को तक वहाँ पे आसपास तक नहीं आने देता था उस विलेज के पास, जिस लेकिन अपने मैडनेस की वजह से, अपने पागलपन की वजह से उसने खुद ही इस मॉडल को कचर दिया, उस अपने पैरों से उस पूरे मॉडल को ख़राब कर दिया। और ये जो मॉडल था वो अब तक पूरी तरीके से सूखा नहीं था, और इसके बाद कचरने के बाद भी जो गोविंद सिंह है वो इसे वापस से उठा करके एक डोंकी जो कि आस पास में ही एक स्ट्रीट पर सड़क पर चल रहा था उसके पास फेंक देते हैं, और वो उसे कहते हैं कि ईट दिस ऑल्सो, ये एक अच्छा अच्छा विलेज है, इसे खा लो। एंड इसके बाद वो वापस से जो मार्केट था मार्केट की तरफ वापस से वो घूमने के लिए चले जाता है, सेकेंड राउंड पर वो चले जाता है घूमने के लिए। अब वो बहुत ही ज़्यादा एकदम से फ्री अपने आप को समझ रहा होता है, ऐसा सोचता है कि उसे फ्रीडम मिल गई है, वो एकदम से लिमिटलेस हो गया है अपने पागलपन की वजह से। चलते वक्त उसे एक स्ट्रीट लैम्प दिखता है, वो स्ट्रीट लैम्प पे एक तरीके जो कि एक तरीके का बिजली का खंभा होता है, वो देखता है कि वो जो बल्ब है वो उस बल्ब का जो साइज़ है वो एक तरीके के पपैया के फ्रूट की तरह लग रहा है, पपैया के फ्रूट की तरह लग रहा है, और वो उसे पत्थर उठा करके स्टोन से फोड़ देता है, और वो फोड़ते ही उसे ऐसा लग उसे बहुत ही अच्छा फील होता है, और उस फूटने की जो आवाज़ होती है वो उसे बहुत उसे कानों को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देती है, उसे एक तरीके का म्यूज़िक की तरह लगता है ये। लेकिन ऐसा करते ही एक पुलिसमैन उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर जो गोविंद सिंह है वो रिप्लाई करता है कि उसे एक ग्लास पपैया तोड़ने में बहुत मज़ा आया, ग्लास पपैया का जो फ्रूट है पपैया फ्रूट है उसे तोड़ने में मज़ा आया और उसे मज़ा आता है। जिस पर जो कांस्टेबल है वो कहता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। गोविंद सिंह फिर से बताता है उस कांस्टेबल को जब वो मिसोपोटिया में था तब उसे एक बार पहले भी हाफ रेशन के कुछ कारणों के वजह से उसे स्टेशन पे जाना पुलिस स्टेशन पे जाना पड़ा था। वो आगे बताता है कि ये जो ग्लोब है ये जो धरती है वो सही नहीं है, इसमें साथ ही में ये जो धरती के जो रास्ते हैं यहाँ के जो रोड्स हैं वो भी सही नहीं, वो स्ट्रेट नहीं है, उसे हर चीज़ आसपास की हर चीज़ गलत लग रही थी। तभी अचानक रास्ते से कुछ लोग कुछ कार और साथ में कुछ साइकिलिस्ट भी आ रहे थे चलाते हुए, और जो गोविंद सिंह है उन्हें वो उन सभी के बारे में सब कुछ रॉन्ग लग रहा था। तभी वो सोचता है कि उन सभी को मेरे एडवाइस की ज़रूरत है, और वो बीच के सड़क में चले जाता है और सभी को रोक देता है, जिस पर सभी लोग रुक जाते हैं, सभी कार जो भी चला रहे होते हैं कार बाइक सभी रुक जाते हैं, और जो साइकिल चला रहे होते हैं वो भी कुछ लोग जंप कर जाते हैं। इसके बाद सिंह ने अपना लेक्चर चालू किया और वो कहता है कि जब वो मेसोपोटिया में था, और वो एक फेलो के बारे में बताने लगता है जिसको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन तभी अचानक से पुलिस वाला जो है वो वापस से आ जाता है उस सीन में, और वो उसे पकड़ करके साइड में ले करके जाता है, और साथ में जो ट्रैफिक है ट्रैफिक को वापस से रिज्यूम कर देता है, वापस से लोगों को आने जाने के लिए सिग्नल दे देता है। लेकिन उनमें से जो एक साइक्लिस्ट था वो तभी अचानक से उनके पास में आता है, और वो गोविंद सिंह के पास जाकर के पूछता है कि सिंह तुमने ऐसा ये कपड़ा क्यों पहन के रखा है, तुमने ऐसा फैंसी ड्रेस क्यों पहन रखा है। सिंह जो था जो गोविंद सिंह थे उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये जो आदमी है वो अकाउंटेंट है उसके ऑफिस से, और सिंह ने तुरंत ही अपने मीन्स अकाउंटेंट को तुरंत एक ग्रैंड सैल्यूट दिया वहीं पर, और वहीं पर उन्होंने बाद में बातचीत भी की, और गोविंद सिंह ने कहा कि मेरा कोई भी मंशा नहीं था आपको रोकने का, आप आगे जा सकते हैं। तभी जो अकाउंटेंट है वो कहता है कि तुम्हें हमारा लेटर मिल गया, वो उस लेटर को देखता है कि उसके पास है, और उस लेटर पर भी बहुत ज़्यादा मड यानी कि डस्ट जो था मिट्टी धूल मिट्टी उस पर लगी हुई थी, और सिंह से वो पूछता है कि तुम्हें हमारा ये लेटर मिल गया, जिस पर जो सिंह है वो रिप्लाई देता है हाँ सर हमें मुझे मिल गया, लेकिन इसके बारे में आप मुझसे बात मत कीजिए। तभी जो अकाउंटेंट है वो उसके हाथ से वो एनवलप छीन लेते हैं और उसे ओपन कर करके उसके उसमें जो भी लिखा हुआ होता है वो उसे तेज आवाज़ में बोलने लगते हैं। इसमें लिखा रहता है द जनरल मैनेजर ग्रेटली अप्रिशिएट द वेरी आर्टिस्टिक मॉडल यू हैव सेंट एंड ही इज़ प्लीज टू सैंक्शन अ रिवॉर्ड ऑफ 100 rupees एंड होप्स इट विल बी एनकरेजमेंट फॉर यू टू कीप अप दिस इंटरेस्टिंग हॉबी, जो कि गोविंद सिंह के अच्छाइयों के बारे में लिखा था। जो जनरल मैनेजर थे वो गोविंद सिंह के ये आर्टिस्टिक मॉडल्स की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थे, और उसे एनकरेज करने के लिए उसे 100 rupees का रिवॉर्ड भी उन्हें दिया गया, मीन्स गोविंद सिंह को 100 rupees का रिवॉर्ड दिया गया।
जो अकाउंटेंट है वो उसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके बताते हैं, और साथ में 100 रुपीज़ का जो चेक होता है वो भी उसे हैंड ओवर करते हैं। और इसके साथ ही जो आसपास के जो लोग थे वो सभी उस सीन उस वहाँ पर आसपास आ करके इसके इसके बारे में बातचीत करने लग जाते हैं, इस सीन को देखने लग जाते हैं। इसके बाद जो गोविंद सिंह है वो वापस से अपना लेटर अपने हाथ में लेते हैं, वो उसे अपने आँखों से लगाते हैं। एंड इसके बाद जो गोविंद सिंह है वो बहुत ही लो वॉइस में बहुत ही नरमता से अपने अकाउंटेंट से पूछते हैं, टेल मी सर एम आई मैड और नॉट, क्या मैं पागल हूँ सर या नहीं। जिस पर जो अकाउंटेंट है वो रिप्लाई करता है कि तुम ठीक ठाक दिख रहे हो, तुम सही हो और तुम पागल बिल्कुल नहीं हो। जिस पर जो सिंह है वो अपने पैरों पर नीचे बैठ करके नीचे गिर कर अपने चोकिंग वॉइस में साथ में रोते हुए बोलता है कि सर आप मेरे लिए भगवान की तरह हो, आपने जो कहा मेरे बारे में कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं इसे सुन करके बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ और मैं दिल से बहुत खुश हूँ। और इसके बाद वो शांति से अपने घर पर वापस लौट जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पेंशन डे पर वो जब ऑफिस के काउंटर पे जाता है तो सभी स्पेशली जो अकाउंटेंट है वो उससे पूछते हैं कि अब वो किस तरीके के टॉयज बनाने की कोशिश कर रहा है। जिस पर जो गोविंद सिंह है वो रिप्लाई करता है, नेवर नेवर सर, मैं अब कोई किसी तरीके का टॉय नहीं बनाने वाला, और ये जो ऑक्यूपेशन है वो सेना आर्मी के लोगों पर सूट नहीं करता, सेना के आदमी पे सूट नहीं करता, और अब वो इस तरीके के मॉडल्स अब नहीं बनाएगा। इसके बाद जो गोविंद सिंह है वो अपनी पेंशन रिसीव करते हैं और वो अपने घर पर वापस लौट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा हमारी ये स्टोरी गेट मैंस गिफ्ट, जिसके राइटर हैं आर के नारायण। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आप सभी लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों के सब्सक्राइब की ज़रूरत है, लाइक एंड शेयर की ज़रूरत है। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें एंड एनकरेज करें हमें और ज़्यादा अच्छी एंड